ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजनीति में पहली बार किस्मत आजमाने उतर रही आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के भीतर जारी सियासी खींचतान का फायदा उठाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। अगले महीने के प्रारंभ से चुनावी प्रचार प्रसार का सिलसिला भी पार्टी द्वारा तेज कर दिया जाएगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी महीने जयपुर में अपनी चुनावी रणनीति का शुभारंभ करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के उन पूर्व विधायक एवं मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिनकी जनता के बीच अच्छी खासी पैठ है और जो किसी न किसी कारण से अभी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इसी महीने में बीजेपी के कुछ पूर्व विधायक और प्रधान और नेताओं को आप पार्टी की मेंबरशिप दिलवा सकते हैं। वहीं मार्च में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजस्थान में रोड शो कर सकते हैं। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के दौरे के साथ राजस्थान में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद हो जाएगा। प्रदेश में सदस्यता अभियान पार्टी ने आरम्भ कर दिया है। यह मेंबरशिप 2 सप्ताह से ज्यादा चलेगी। मनीष सिसोदिया फरवरी में 2 हफ्ते के भीतर जयपुर आएंगे और संगठन के संबंध में एक बैठक लेंगे। इसके लिए प्रदेश भर के प्रमुख नेताओं को जयपुर बुलाया गया है। वैसे पार्टी का मुख्य फोकस अच्छी छवि वाले कांग्रेस एवं बीजेपी के नाराज नेताओं को अपनी तरफ करना है, ताकि आपको प्रदेश में जड़ जमाने में ज्यादा समय एवं मेहनत न करनी पड़े। इसके बाद पार्टी राजस्थान में अपने पदाधिकारी और पूरी कार्यकारिणी तय करेगी। सिसोदिया के साथ पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक भी हो सकते हैं। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा इस कार्यक्रम से एक दिन पहले जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद आप पार्टी चुनाव प्रचार कार्यों पर फोकस करेगी। पूरी संभावना है कि मार्च के महीने में राजस्थान में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल राजस्थान में कई रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। ये रोड शो जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में हो सकते हैं। इससे पहले तक राजस्थान में आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार न के बराबर था और अब तक आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी रैली या भाषण भी नहीं हुआ है। आगामी कुछ दिनों में पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा भी राजस्थान की राजनीति में एक्टिव होते दिखाई देंगे। गुजरात में 5 विधानसभा सीटें जीतकर राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी अब राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में सभी 200 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि राजस्थान बड़ा राज्य होने के चलते अब तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से राजस्थान में सक्रिय नहीं हो सकी। इसी वजह है कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को छोड़ दे तो यहां की सियासत में दूसरा कोई बड़ा दल नजर नहीं आता। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा के सबसे ज्यादा 6 विधायक थे, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। कुछ विधायक निर्दलीय हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली मॉडल को सामने रखकर राजस्थान की जनता को लुभाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।